हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू देने जा रही हूँ वो खादी के प्रोडक्ट्स हैं, और खादी के मैं तीन प्रोडक्ट्स के आज रिव्यू दूंगी। जो एक खादी हर्बल खादी गोल्ड सैंडल एंड रोज फेस पैक, दूसरा है रोज एंड पपाया फेस स्क्रब, एंड तीसरा है खादी मिंट एंड कुकुम्बर हर्बल फेस फ्रेशनर। मैं इन तीन चीजों का रिव्यू आज आपको दूंगी और इसे अपने फेस पर अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। तो जो पहला प्रोडक्ट है वो खादी गोल्ड रोज एंड पपाया फेस स्क्रब। मैं इस प्रोडक्ट के बारे में पहले आपको बता दूं, फिर इसे अप्लाई करूंगी अपने फेस पे। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही छोटा सा क्यूट सा प्लास्टिक जार में आता है, और ये इसका नेट वेट है 50 ग्राम। इसका एमआरपी है 125, और ये मुझे नायका से डिस्काउंट पर थोड़े मिल गए थे, आई थिंक 106 या समथिंग, याद नहीं है, पर 125 से कम ही प्राइस में मिले थे डिस्काउंट में। इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है मई 2019 और एक्सपायरी है अप्रैल 19 से 22 के बीच में इसे यूज करना है। ऐसे भी इतना छोटा सा पैक है, ये खत्म ही हो जाने हैं, 3 साल तो ऐसे भी रहने वाला नहीं है। और ये क्लेम करते हैं, डायरेक्शन फॉर यूज बताते हैं, अप्लाई इट ऑन फेस एंड लीव द मास्क ऑन फेस फॉर एटलीस्ट 15 to 20 minutes, peel off the mask and then splash some cool water on your face to close the pores. And description है, ये claim करते हैं कि khadi gold rose and papaya face scrub is ideal for deep cleansing skin to remove dirt, dead skin cells and excess oil. Its gentle exfoliating action on closed pores while the nourishing oils keep the skin moisturized. The natural scrub hydrates and repairs the skin leaving it glowing and purified. ये बहुत अच्छे अच्छे क्लेम करते हैं, लेकिन इनका क्लेम सही भी है। मैंने इसे यूज किया है, ये मुझे बहुत ही फायदा पहुंचाते हैं। अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखाती हूँ। वाओ, स्मेल इज सो गुड, मतलब हार्श नहीं है स्मेल में, कि खोलते ही एकदम अजीब सा स्मेल आया ताकि लगाने में इरिटेशन हो। स्मेल में कोई हार्शनेस नहीं है, बहुत हल्की सी रोज, मतलब क्या बताऊं, बहुत हल्की सी फ्रेश सी स्मेल है। रेडिएंट है रोज एंड पपाया, तो एक एक करके मैं बता देती हूँ कि रोज हमारे फेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। रोज हमारे डार्क सर्कल को कम करता है, डार्क स्पॉट्स को कम करता है और डिसकलरेशन को कम करता है। और पपाया में जो पोटेशियम पाया जाता है वो हमारे स्किन को ड्राई नहीं होने देता है, रूखापन होने से बचाता है। और इसमें विटामिन ए और सी भी होता है जो फेस के लिए बहुत बेनिफिशियल, डेड सेल्स को रिमूव करता है, ब्राइट करता है फेस, फेस को यंग बनाए रखता है। तो बहुत सारे रोज एंड पपाया के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो हमारे फेस के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। अब मैं इस फेस स्क्रब को अपने फेस पर अप्लाई कर आपको दिखाती हूँ। तो इसके थोड़े से अमाउंट्स मैं पहले ले लेती हूँ। मैं इस फेस स्क्रब को पहले लगाकर 2-3 मिनट छोड़ दूंगी। जब ये ड्राई हो जाएगा तब मैं इसे स्क्रब करूंगी, ताकि ये फेस स्क्रब में जितने भी इंग्रेडिएंट के फायदे जो हैं वो मेरे फेस के अंदर चला जाए। स्क्रब को अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है, अब मैं इसे 2-3 मिनट सूखने के लिए छोड़ूंगी। इसे 2 मिनट ये मैंने छोड़ भी दिया, ये थोड़ा ड्राई हो गया है, तो मैं अब इसे स्क्रब कर लेती हूँ। स्क्रब करने के लिए मैंने थोड़ा सा वाटर ले लिया है। फेस के ग्लो को देख लीजिए, पता नहीं कैमरा में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पर मुझे फील हो रहा, मुझे दिख रहा है ये ग्लो मेरे फेस के। फेस स्क्रब के बाद बारी आती है फेस पैक की, और फेस पैक है खादी गोल्ड सैंडल एंड रोज फेस पैक। इसकी भी क्वांटिटी सेम है, नेट वेट 15 ग्राम, एमआरपी है 125, मैन्युफैक्चरिंग डेट है अगस्त 2019 और एक्सपायरी है जुलाई 2022।
सेम स्क्रब की तरह ही है। और ये डायरेक्शन फॉर यूज बताते हैं, मिक्स इट विद रोज और प्लेन वाटर और मिल्क, अप्लाई ऑन योर फेस एंड नेक फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट, रिंस ऑफ विद कोल्ड वाटर। डिस्क्रिप्शन, ये क्लेम करते हैं कि शैंडल फेस पैक अनक्लोग योर पोर्स एंड रिमूव्स डेड स्किन सेल्स, इट इज एंटीसेप्टिक दैट इट विल क्योर द सन बर्न ऑन योर फेस। और इसे मैं ओपन कर दिखा दूं तो ये ऐसा है, और इसका स्मेल भी बहुत रिफ्रेशिंग है, कोई हार्डनेस नहीं है स्मेल में कि फेस पर जाके कोई इरिटेशन करे। अब मैं इसे अपने फेस पर आपको लगाकर दिखा देती हूँ और इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ। उसके पहले मैं बता दूं कि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सैंडल एंड रोज। रोज के तो फायदे मैं पहले ही बता चुकी हूँ स्क्रब का बताते वक्त, लेकिन सैंडल के फायदे मैं ये बता दूं कि सैंडल में भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं। सैंडल हमारे चेहरे के डार्क पिगमेंटेशन को कम करता है, डार्क स्पॉट्स को कम करता है, स्किन को फेयर करता है। सैंडल में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है, मतलब इसमें बहुत सारे फायदे हैं। तो रोज हुआ, सैंडल हुआ, पपाया हुआ, ये सब हमारे फेस के लिए बहुत जरूरी होता है, जिसको यूज करने से हमारा फेस यंग रहता है, हेल्दी रहता है। तो मैं अब इसे अपने फेस पर लगाकर दिखाती हूँ। इसका पेस्ट एकदम बटरी है, एकदम बटरी, ऐसा लग रहा है कि फेस पर ना कोई बटर लगाया जा रहा है, एकदम तुरंत ऐसे फैल जा रहा है। तो मैं अब इसे होल फेस पे लगा लेती हूँ। कोई भी फेस स्क्रब फेस पैक लगाने से पहले फेस को अच्छे तरह से क्लीन करना कर लेना जरूरी होता है, एकदम फेस पे कोई भी मेकअप नहीं चाहिए। ये लिखते हैं कि इसे रोज वाटर वगैरह के साथ, रोज वाटर या मिल्क के साथ लगाना है। मैं इसे ऐसे ही लगा लेती हूँ क्योंकि ये उतने गीले हैं जो फेस पर लग जाएंगे। सूखने के लिए थोड़ी देर तक छोड़ दूंगी, 15 से 20 मिनट तक, पूरी मतलब पूरी ड्राई नहीं होने दूंगी, थोड़ा गीला रहे तभी मैं इसे वॉश कर लूंगी। तो थोड़ा वेट करती हूँ ड्राई होने के लिए, फिर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मेरा फेस बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है, ना ये ज़्यादा गीला है ना ये ज़्यादा ड्राई है, मुझे ऐसा ही चाहिए था। तो मैं अब इसे वॉश करके आती हूँ और आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। तो मैं आ चुकी अपने फेस को वॉश कर और मेरा फेस आप देख सकते हैं कितना ग्लो कर रहा है, ये ग्लो दिख रहा है आपको, और मुझे बहुत ही रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि डर्ट की तो छुट्टी हो गई है, डर्ट सेल्स वगैरह सारे खत्म हो गए हैं, ब्लैक हेड्स वगैरह भी मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो मैं बहुत ही हैप्पी हूँ इन प्रोडक्ट से। तो फेस स्क्रब हो गया, फेस पैक हो गया, और तीसरा जो मैं अभी करने जा रही हूँ वो है फेस को टोन, क्योंकि कोई भी स्क्रब और फेस पैक लगाने के बाद फेस थोड़ा ड्राई हो जाता है। तो कोई भी अच्छी क्वालिटी के मॉइस्चराइजर आप लगा लें या कोई भी टोनर लगा लें जिससे फेस थोड़ा हाइड्रेट हो जाएगा। तो ये जो मेरा टोनर है वो है खादी नेचुरल हर्बल फेस फ्रेशनर, खादी मिंट एंड कुकुम्बर। मैं इसे अभी अपने फेस पे अप्लाई कर लूंगी, इसे थोड़े थोड़ी दूरी बनाकर अपने फेस पर अप्लाई करना है, और आंख को बंद करके, नहीं तो अगर आंख में चला गया तो बाई बॉडी इतना इरिटेशन होगा कि क्या बताऊं। तो मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ। तो मैंने ये टोनर को अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है। टोनर से अपने फेस को टोन करने के बाद मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ये 100 ml का पैक है और इसका MRP है 95 और मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2020 और बेस्ट बिफोर 36 मंथ। इसके की इंग्रेडिएंट है प्योरीफाइड वाटर, कुकुम्बर, एलोवेरा एंड लेमन पील। और ये बेनिफिट्स बताते हैं कि मिंट एंड कुकुम्बर फेस फ्रेशनर इंस्टेंट स्किन बूस्टर विथ रिफ्रेशिंग प्रॉपर्टीज। इट कॉन्टेंस नेचुरली एक्सट्रैक्टेड मिंट एंड कुकुम्बर विच इज हाइड्रेटिंग, नर्शिंग, टोनिंग एंड रिटेन्स मॉइस्चर टू गिव ग्लो टू द स्किन। इट हैज कमिंग इफेक्ट विच प्रोवाइड सॉफ्ट एंड शार्पल स्किन एंड इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ स्किन। तो इनके क्लेम तो बहुत सही है, ये फेस को हाइड्रेट भी करता है और ग्लो भी देता है फेस पर। तो मुझे तो खादी के तीनों प्रोडक्ट्स बहुत ही पसंद है, वो स्क्रब हो या फेस पैक हो या ये टोनर हो। तो आपको भी इसे यूज करना चाहिए क्योंकि ये एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट है और हमें अपने फेस पर कुछ ना कुछ हर वक्त करते रहना चाहिए ताकि फेस हमारा यंग रहे और फ्रेश रहे। फ्रेंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कॉमेंट करें, मेरे वीडियोज को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोज को जरूर शेयर करें। और कोई भी आपको इश्यू हो या वीडियोज में कुछ भी अच्छी लगे अच्छी ना लगे तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।